रिजीना बटर इज अ कम। पर कोई भी आंटी अपनी एक्स्ट्रा पन्नी क्यों त्यागेंगी राइट? सावधान रहे, सतर्क रहे। That's the only kind of gem I can give right now, so वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे पता था कि वो आ गई है, मेरी महावारी। पता तो मुझे आज से 5 दिन पहले ही लग गया था जब आइसक्रीम खाने की चुल होने लग गई थी, और आइसक्रीम खाने की इमीडिएटली बाद अचार खाने की चुल, स्वीट और सेवरी की क्रेविंग एक साथ। तो मुझे पता था कि मेरी महावारी आ रही है, इसकी अभी नहीं आई, पर लगता है PMS इसको भी हो रहा है। सॉरी गाइज, मुझे लेटना पड़ा, क्रैम्स की शुरुआत हो गई है लगता है। साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन की आवाजों में ड्रिलिंग मशीन की आवाज भी आ रही है और मेरे अंदर भी ड्रिलिंग शुरू हो गई है। आई थिंक मेरा पैड चेंज करने का टाइम हो गया गाइस। हाय गाइस, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि मैं अपनी फेवरेट अंडी को नहीं बचा पाई बिकॉज ऑफ हैरी फ्लो। चुप हो जा यार, 1350 रुपए की तेंदुआ प्रिंट विद बैकलेस वाली चड्डी न्योछावर हो गई। भगवान उसकी अमानते को आत्मा को शांति दे। मुझको क्रैम्स आ रहे हैं, मेफ्टान्स पास दे दो, हॉट वाटर बॉटल या हग्स दे दो, वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट दे दो। हाय एवरीवन, कल 3500 क्रैम्प से जूझ कर मैं सुबह में प्रवेश कर रही हूँ। इट्स अ लवली मॉर्निंग, आई लुक लाइक अ डीवा, अ ब्लीडिंग डीवा, बट अ डीवा नॉनदलेस। टुडे आई एम गोना टेक यू थ्रू माय लिस्ट ऑफ पीरियड एसेंशियल्स। नंबर 1, क्योंकि मैं पैड्स यूज करती हूँ तो सैनिटरी पैड्स। तो अपने मैं लोकल किराने की शॉप पर भैया को कॉल करके ऑकवर्ड कर देती हूँ। हाँ जी भैया, पैड्स भेज देंगे। ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है, ये तो नेचुरल फिनोमिनन है। आई लव इट। नंबर 2, हॉट वाटर बॉटल। क्रैम्स होते हैं ना इसलिए। मेरे कुत्ते ने मेरी हॉट वाटर बॉटल कल चबा ली, तो मुझे कॉफी को अपने पेट पर रखना पड़ा, गर्म कॉफी को। नंबर 3, चॉकलेट। और मैं छोटी वाली चॉकलेट तो मंगवाऊंगी नहीं क्योंकि वो मैं एक ही दिन में खत्म कर दूंगी, तो बड़ी वाली चॉकलेट। नंबर 4, कार्ब्स, किसी भी फॉर्म में, फ्राइड फूड। और जैसे कि हमारी आइकॉनिक रजीना देवी जी ने पूछा था कि इज बटर अ कार्ब, रजीना बटर इज अ कार्ब, बटर भी मंगवा ली थी। हाय ऑल, अब मैंने अपनी महंगी वाली चटियों को सस्ती वाली चटियों से जुदा करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मेरी हैवी फ्लो सिस्टर्स तो ये जानती हैं कि कभी भी नीचे वोल्केनो इरप्ट हो सकता है और मेरी बेबी पिंक चड्डी रूबी वो बन सकती है, इसलिए संभावना को कम करने के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पंखे पर अपना फोन रखा है और मैं बेड से आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं PCOD से पीड़ित हूँ। दूसरे या तीसरे दिन पर मेरे क्रैम्प्स मेरी आत्मा को दहला देते हैं, इसलिए मैंने ऑफिस में फीवर का बहाना मार के छुट्टी ली है क्योंकि पीरियड लीव्स तो मेरी ऑफिस में मिलती नहीं है। मैं आपसे कुछ समय चाहती हूँ जब तक मैं इन क्रैम्प्स को काबू में लाऊं। जैसे कि आप और माया जानते हैं, कल रात को मैंने जितने पोजेस बदले हैं उतने पोजेस तो कामा सूत्रा में भी नहीं है, और मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं नूरा फतेही का हाई गर्मी वाला जो पोज है उससे आप क्रैम्स पे काबू पा सकते हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिए नूरा फतेही का हाई गर्मी वाला पोज, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके लिए वो पोज काम किया कि नहीं। और अगर आपका कोई पोज है जो आप यूज करती हैं तो मुझे उस पोज के बारे में बताइए, मैं जरूर उसको अपने ब्लॉग में यूज करूंगी और उसको रेट करूंगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ऑफ हाई पे। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी भी हम day 3 पर हैं और मुझे अपने गेट के बाहर ये ब्लैक पन्नी मिली, तो मैंने सोचा कि शायद कोई आंटी एक्स्ट्रा पन्नी मेरे घर के बाहर छोड़ गई होंगी। पर कोई भी आंटी अपनी एक्स्ट्रा पन्नी क्यों त्यागेंगी राइट? तो फिर मैंने सोचा कहीं ये कोमल पांडे की ब्लैक ट्रैश बैग वाली ड्रेस तो नहीं, क्या पता कोमल ने सुखाने डाली हो और मानसून के मौसम में कितनी हवा चलती है तो उड़कर यहाँ आ गई होगी, पर ये वो भी नहीं थी। फिर मुझे अरुण का मैसेज आया दैट हियर्स अ गिफ्ट फॉर यू, और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि अरुण कौन है गाइस। मेरी लास्ट ब्लॉग में आपने यहाँ देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अंताक्षरी नहीं अनबॉक्स करना। चलिए गेस करते हैं कि ब्लैक पॉलिथीन में क्या क्या हो सकता है। इलीगल चीजें ही होती है, स्मगल सफेदा आम, सस्ते नशे। ब्लैक पॉलिथीन में एक्चुअली चिकन भी मिलता है, मगर अगर चिकन होता तो मेरा कुत्ता भौंक रहा होता, कुत्ता सो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। भेजने वाले ने पेपर की कोटिंग लगा के भेजी है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक पन्नी में से कुछ भी दिख जाए। इज इट झालमुरी? आई एम सो एक्साइटेड। अरुण ने मुझे एक नॉर्मल साइज्ड पैड भेजा है जबकि वो जानता है दैट आई बिलोंग टू द हैवी फ्लो फैम। अरुण कितना स्टूपिड, कितना इग्नोरेंट है। Hey guys, welcome back to my channel. Today is my 4th day and I'll be spending my time with Mr. Uncle Chip and Mrs. Lace from Blue Block and Green Block. वैसे तो मुझे खास cravings है नहीं, पर popular media ने cravings को इतना stereotype कर दिया menstruation के time पर कि मेरे अंदर synthetic cravings का जन्म हो गया है। That's the only kind of जन्म I can give right now, so
Hi all, welcome back to my channel. Today was my last day of the period. मुझे सुबह कोई spotting नहीं हुई and मेरा वक्त race against the time from the shower to towel खत्म हुआ. You know because shower से जब आते हैं तो drops. Not explaining the joke. इसी खुशी में मैंने आज inner corner highlight भी लगाया है. Yes, no pad whatsoever, not wearing it. Coincidentally मेरे साथ वाले घर में drilling का काम भी खत्म हो गया है तो वहाँ भी drilling खत्म और अंदर भी drilling खत्म. To think of it, I'm one period less away from menopause. Yeah, my mom would not like that joke. Anyway, I have work to do, so I'm gonna go. I hope you enjoyed my vlog and fake alarm, guys. So spotting has happened. मुझे पता होना चाहिए था क्योंकि मुझे 7 days की period होते हैं और मैंने 5th day पे ही early celebration कर ली. मुझे इस chair का कपड़ा चेंज करवाना पड़ेगा.